हरे कृष्णा सभी को। आप देख रहे हैं पूनम सिंह रेसिपी और मैं पूनम आज आपको आलू सहजन की सब्जी बनाकर बताऊंगी। तो उसके लिए हम सहजन ले लिए हैं फ्रेश, अभी ही मिलता है सहजन चैत महीने में, जो काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है पेट के लिए भी, स्किन के लिए भी। तो हम सहजन ले लिए हैं एकदम फ्रेश, आलू ले लिए हैं। सहजन को हम आपको काट कर बताते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। मुलायम सहजन रहता है तो उसको हम लोग ऐसे ही काट लेते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका स्किन हार्ड हो जाता है, तो हम लोग उसको चाकू की सहायता से ऐसे स्किन को रिमूव कर देते हैं, रेसा रेसा निकलता है लंबा लंबा, ऐसे इसको साफ करके तब हम लोग काट कर बनाते हैं। इसको टुकड़ा में भी काट कर लो, नाखून से भी ऐसे साफ कर लेते हैं, पीस पीस में काट लेते हैं और नाखून की सहायता से, चाकू की सहायता से इसको हम साफ कर लेते हैं। तो फिर हम आपको पूरा सहजन साफ करके बताते हैं। सहजन हम साफ कर लिए हैं, देखिए बिल्कुल फ्रेश हो गया और कितना इसका निकला छिलका रिमूव किए हम। तो अब हम आलू को छीलकर काट लेंगे। 250 ग्राम आलू है और 250 ग्राम मेरा सहजन है, दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे। इसी तरह हम सारा आलू छील कर काट लेंगे। आलू भी हम छील कर साफ कर लिए हैं, उसको भी हम काट लेंगे। कुछ इस तरह का टुकड़ा होना चाहिए। सारे आलू को हम काट लेंगे अच्छी तरह से। कढ़ाही गर्म हो चुका है मेरा, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल 2 बड़ा चम्मच के करीब, और इसमें हम डालेंगे 5 फोरन, जिसमें जीरा है 1/4 चम्मच से, छोटा चम्मच से 1/2 चम्मच, जवाइन, सौंफ, मंगरेला, मेथी, काला मस्टर्ड चुटकी भर, और चुटकी भर है आपको धनिया क्रश कर दिए हैं इसको, और 2 लाल मिर्च है। इस सब को हम तड़का में डाल देंगे। तड़का जल चुका है, अब इसमें हम पहले सहजन डालेंगे और इसको भून कर निकाल लेंगे हम। सहजन के बहुत फायदे होते हैं, यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत रखता है। चैत के महीने में लोग कहते हैं कि सहजन खाना चाहिए, जिससे पेट साफ हो जाता है बिल्कुल। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है। अस्थमा के पेशेंट को इसका सूप बना कर देने में बहुत फायदा करता है पेशेंट को। जब तक मेरा सहजन फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा पतला हो गया है इसलिए 1/2 चम्मच से ले रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों, जिसको हम धो लिए हैं,
इसी में हम डाल देंगे एक दाल वाले चम्मच से एक चम्मच है मेरा जीरा धनिया और काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच डाल देंगे हम हल्दी, आधा चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और सबको हम मिलाकर पेस्ट बना लेंगे। बारीक पेस्ट हमको चाहिए सहजन में, इसमें हम डाल देंगे आधा प्लेट के अंदाज पानी और हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। सहजन फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी में हम आलू डालकर फ्राई कर लेंगे। आलू मेरा फ्राई हो चुका है, आलू भुन गया था तो हम इसमें मसाला डाल दिए। उसके बाद हम डाले सहजन, वीडियो मेरा ऑफ हो गया था इसलिए डालते समय हम नहीं दिखा पाए आपको। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तीन टमाटर जो हम काट लिए हैं बारीक, ये भी मसाला के साथ में भुना जाएगा आराम से। टमाटर गलने तक हम इसको ढक देंगे, टमाटर पानी छोड़ेगा तो और अच्छा फ्लेवर आएगा मसाला में। ये सब्जी पानी छोड़ दिया है, टमाटर बिल्कुल गल चुका है, सहजन भी गल चुका है। अब इसमें हम अमचूर डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम और इसको थोड़ा फ्लेम कर तेज करके हम सोंधा होने तक भूनेंगे सब्जी को, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तेल भी छोड़ने लगा है सब्जी। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया का क्यूब जो हम बना के रखे थे पहले ही। धनिया का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सहजन की सब्जी में, इसको हम मिला लेंगे। यह सब्जी एकदम भून चुका है, पानी सूख गया है और तेल चारों ओर से छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी कि आलू गल जाए अच्छी तरह से। धनिया का क्यूब डालने से सब्जी का कलर थोड़ा सा हरा हो गया है, कलर कोई बात नहीं, स्वाद आना चाहिए। सब्जी तैयार हो गया है बिल्कुल जितना ग्रेवी चाहिए इसमें। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कैसी लगी आलू सहजन की सब्जी की रेसिपी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।